तो आज हम बनाने वाले हैं समोसे का मसाला। जी हाँ, बस मैं आपको मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आई होप कि आप भी एक बार ट्राई करेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, और मैं हूँ आपकी रागिनी। तो देखिए, यहाँ पे सबसे मैंने यहाँ पर मैदा छान लिया है, और इसमें जो काली वाली कलौजी होती है वो, और इसमें डालेंगे नमक और तेल अच्छे से मोइन के लिए। फिर इसको हम अच्छे से गूंथ के रख लेंगे। और इसका सीक्रेट ये है ना, समोसा खिस मतलब ये खस्ता, और ये मतलब आप खस्ता जैसे दुकान पे बनता है खस्ता और क्रिस्पी ऐसे बनाना चाहते हैं ना, तो आप आटा को जस्ट समोसा बनाते टाइम ही उसको गूंद के रखिए नहीं, क्योंकि फिर वो नरम हो जाता है, फिर आपका समोसा जो है वो दुकान जैसे नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया है, और अभी मैं आटा बना रही थी, तो मैंने सोचा इसी से वीडियो की स्टार्टिंग भी कर लूँगी। और ये मेरा परात को आप इग्नोर करिए, इसके बाद ये वॉश हो जाएगा तो क्लीन हो जाएगा। और अभी मैं दिखा देती हूँ कि मसाला कैसे बनाना है आपको, मैं कैसे बनाती हूँ, तो आप भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई। और ये गूंद गया है, तो अब हम उसे ढक के रख लेंगे थोड़े मिनट के लिए। ढक के रखना है, ज़्यादा टाइम के लिए आप नहीं ढकिए, क्योंकि फिर वो नरम हो जाएगा, फिर उसे आप पूड़ी बना सकते हैं, भटूरे बना सकते हैं, वैसा हो जाएगा। और अभी मैं फटाफट दिखा देती हूँ कि आपको कैसे बनाना है मसाला। तो देखिए, मसाला के लिए मैंने कुछ चीज़ें लिया है। ये है उबले हुए आलू, हरी मिर्ची को कट कर लिया है, प्याज को कट कर लिया है, इसमें हम डालेंगे मूंगफली, और ये हरा मटर। तो चलिए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे पैन में लिया है मैंने सरसों का तेल, इसमें डाला है अजवाइन, जीरा और ये कलौजी, और फिर मैंने वो प्याज डाल दिया। ट्रांसपेरेंट होने के बाद फिर हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। यहाँ पे ना प्याज भुन चुका था, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। सबसे पहले मुझे ये पीनट को फ्राई करना था उसमें थोड़े से तेल में, मैं भूल गई वीडियो बनाने के चक्कर में, तो इसे मैं अभी तवा गरम करके उस पर रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे प्याज जो है हल्का सा गल गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो अभी मैं आगे के मसाला उसमें डालूँगी। और यहाँ पे मैं तवे पे ये इसे फ्राई कर रही हूँ पीनट को, और अच्छे से हो जाएगा ये इसे, क्योंकि ज़्यादा करना नहीं है। फिर समोसे की फिलिंग में उसे मतलब ऐसे भरेंगे तो जो बहुत जो होता है वो उबलने जैसा हो जाता है, अच्छा लगता है, अच्छा स्वाद आता है। और ये सारा नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं लगता है। ये मैं ऐसे भी निकाल दूँगी तो बच्चे खा लेंगे, बच्चों को अच्छा लगता है ऐसे खाने में। और यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया है, और फिर अब साथ के साथ सारे मसाले डालूँगी। और इसमें आप अलग अलग तरीके से भी मसाले डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। और ये रहा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैंने इसे बना के फ्रिज में रख लिया था 2-3 दिन का, तो इसे बार बार बनाने का झंझट नहीं रहता है। तो अभी मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास नहीं था, तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस, और ये जितने मसाले मुझे डालने थे उतने डाल दिए हैं, ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते हैं समोसे में मेरी फैमिली को। तो बस यहाँ पे आलू डाल दिया था, आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और बस ये जो है हमारा आलू का जो समोसे का फीलिंग जो है वो तैयार हो गया है। आलू का मसाला है, इसमें देखिए बहुत कुछ है, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब कम मसाले में ज़्यादा अच्छा और चटपटा मतलब ये लगने वाला है समोसा। हमारे यहाँ यूपी बिहार में ना ऐसे ही मिलता है, समोसे के अंदर ऐसी ही फीलिंग होती है। आलू में मटर भी होता है, मूंगफली का दाना भी होता है, बहुत लोग के वहाँ नहीं डलता होगा तो उन्हें अजीब लगेगा। तो बस क्या है, मेरे समोसे जो है वो तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने साथ में हरी मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है, और आप इसे हरी मिर्ची, हरी चटनी या फिर सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ ये समोसे जो है वो मेरे बन गए हैं, और इसे घर पे बनाने से मतलब ये ऐसे आज थोड़ा सा ऐसे परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन इसके पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ना उसमें बहुत अच्छा परफेक्ट बना था, और काफ़ी